हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके या पेंट का इस्तेमाल करके किसी भी एप्लेट ग्राफिक्स को कैसे कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे सेट करना है, तो उसी का एक एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, राइट एन एप्लीकेशन एप्लेट एप्लीकेशन इन जावा फॉर डिजाइनिंग टेम्पलेट। तो चलिए देखते हैं वही पेंट का इस्तेमाल करके आपको प्रोग्राम कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे नोट पैड यूज़ कर रहा हूँ, आप कौन सा भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। पहले तो आपको फाइल्स इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट पैकेज में से सभी क्लासेस, उसके बाद इंपोर्ट जावा डॉट ईडब्ल्यूटी डॉट उसमें से सभी क्लासेस। हमें जो भी क्लास लेना है वो क्लास हमें पब्लिक रखना है, तो पब्लिक मैं यहाँ पे टेम्पल नाम का एक क्लास ले रहा हूँ, पब्लिक क्लास टेम्पल एक्सटेंड्स एप्लेट। उसमें हमें पेंट मेथड लिखनी है, पब्लिक वॉइड पेंट, उसमें ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जी, आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे जी ले लिया। मुझे पहले तो एक रेक्टेंगल ए बनाना है, उसके बाद उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके बाद यहाँ पे दो लाइन्स ड्रॉ करनी है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। तो जितने रेक्टेंगल चाहिए वो रेक्टेंगल्स पूरे हम बना के ले लेते हैं, एक ये दो और वो तीन और दो लाइंस। तो जी डॉट ड्रॉ रेक्ट मेथड है, इस ड्रॉ रेक्ट मेथड को कौन से कोऑर्डिनेट्स पास करने वो बाद में देखेंगे। जी डॉट ड्रॉ रेक्ट, ये दूसरा रेक्टेंगल जो ये डोर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये फ्लैग पे भी यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। जी डॉट ड्रॉ रेक्ट, ये भी हमने सेट किया। उसके बाद हमें दो लाइंस चाहिए, एक लाइन और एक लाइन। यहाँ पे ट्रायंगल ऐसी कौन सी मेथड यहाँ पे नहीं होती है, इसके लिए हमें जो भी ये ड्रॉ करना है वो हमें लाइन से भी करना होगा। तो जी डॉट ड्रॉ लाइन, इसके लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे हम देखेंगे। जी डॉट ड्रॉ लाइन, और उसके बाद और एक लाइन हमें चाहिए होगी ये फ्लैग के लिए। जी डॉट ड्रॉ लाइन। तो ये जितने मेथड्स हमें यहाँ पे लगने वाले वो सभी मेथड्स मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, मतलब जितने रेक्टेंगल या और जितने लाइन्स यहाँ पे लगने वाले हमने लिस्ट किए। उसके बाद मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ, सिंपल पेंट में मुझे जो भी वहाँ पे कोऑर्डिनेट चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, वो कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे ये कोऑर्डिनेट सॉरी ये रेक्टेंगल चाहिए, फर्स्ट रेक्टेंगल है मेरा, उस रेक्टेंगल में मैं पोजीशन डाल देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हो, इस जगह पे आप यहाँ पे मैं यहाँ पे माउस मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब भी माउस मूव करूँगा मैं उस कॉर्नर पॉइंट को, तो यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे हाइट सॉरी विड्थ और हाइट, तो यहाँ पे मैं माउस कर मूव कर रहा हूँ, तो 374 एंड 266, तो ये कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 374 एंड 266, और उसके विड तो राइट आपको यहाँ पे दिखाई देगी 314, 270। तो ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल ड्रा हुआ। उसके बाद उसके अंदर हमें दूसरा रेक्टेंगल ड्रा करना है, मैं फिर से रेक्टेंगल यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे वो रेक्टेंगल मैं ड्रा कर देता हूँ। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें ले लें सेकेंड रेक्टेंगल के, 483, 414, और उसका विड्थ और हाइट लेनी है 85, 121। ये हुआ सेकेंड रेक्टेंगल। उसके बाद हमें जो भी वो ऊपर वाला फ्लैग का रेक्टेंगल चाहिए वो ले लेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दो लाइंस, उसके बाद ही हम वो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। हमें ये लाइन चाहिए, तो इस लाइन के लिए ड्रॉ लाइन हमने लिखी है मेथड, हाँ इसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे माउस मूव करता हूँ पहले,
तो ये हमारा पॉइंट जो भी है वो मेन हमारा पहला जो रेक्टेंगल था उसके ये कोऑर्डिनेट्स है ऊपर वाले, तो फर्स्ट रेक्टेंगल के ये कोऑर्डिनेट्स वही कॉपी कर देता हूँ और इस लाइन में मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये कोऑर्डिनेट जो है मैं यहाँ पे माउस मूव कर रहा हूँ, आप नीचे देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को 547 149 कमा 547 149। उसके बाद हमें अलग से एक लाइन ड्रॉ करनी है फिर से, मैं यहाँ से फिर से ड्रैग कर देता हूँ और ये हमारी दूसरी लाइन हो चुकी। तो ये सेकंड लाइन, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हम यही ले लेंगे, यहाँ पे इसका एंडिंग मतलब दूसरे का स्टार्ट है, तो यहाँ से मैं कॉपी पर पेस्ट कर देता हूँ और कॉमा नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेट लेना है 688 262 688 कॉमा 262। ये हुआ। उसके बाद फिर से एक लाइन लेनी है, ये लाइन फ्लैग के लिए, ये लाइन यहाँ पे मैंने ले ली, उस लाइन के लिए एक कोऑर्डिनेट मतलब वही जो यहाँ पे थे वही कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ऊपर वाला ये कोऑर्डिनेट जो है वो तो मैं माउस मूव करके यहाँ पे 547 68 कॉमा 547 कॉमा 68 और यहाँ पे एक फिर से रेक्टेंगल मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ से ये फ्लैग के लिए ड्रॉ कर दिया। तो ये इस रेक्टेंगल के लिए हमें 549 कॉमा 68 यहाँ पे डाल देता हूँ 549 कॉमा 68 और इसकी हाइट वेट हमें लेनी है 81 46 कॉमा 81 कॉमा 46। तो हमारा ये शेप ड्रॉ हो, जो क्लास को हमने नाम दिया है वही आपको फाइल को नाम देना। क्लास को मैंने नाम दिया है टेम्पल, तो मैं यहाँ पे टेम्पल डॉट जावा से मैं ये फाइल सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑल फाइल से मैंने ये फाइल सेव की है, मैंने सी ड्राइव में एप्लेट नाम का जो भी फोल्डर बनाया है उसमें मैं फाइल सेव कर रहा हूँ, मैंने सेव की। मुझे अभी अलग सी एक एप्लेट की फाइल मुझे रन करनी है, लिखनी है, उसके लिए मैंने नोट पैड ओपन किया, HTML उसमें एप्लेट टैग, एप्लेट में कोड एट्रीब्यूट, उसमें जो भी हमारा क्लास क्रिएट होने वाला है मतलब ये नेम क्लास नेम डॉट क्लास, उसके लिए विड्थ और हाइट भी लिखनी है। विड्थ इक्वल टू मैं यहाँ पे 600 और हाइट इक्वल टू आपको अगर 1000 चाहिए तो भी ले सकते हो, ऐसे कि नहीं आप 600 ही लेना है, हाइट इक्वल टू 1000 और ये एप्लेट मैं क्लोज कर रहा हूँ और HTML क्लोज, मैं फाइल सेव कर देता हूँ डॉट HTML से। आप इसके लिए आप कौन सा भी नाम ले सकते हो, लेकिन मुझे आसानी हो समझने में इसके लिए मैंने टेम्पल डॉट HTML ले ली, यहाँ पे सेव कर देता हूँ फाइल। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो आप, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया, सी ड्राइव में आया, मैंने एप्लेट में एंटर किया मैंने, उसके बाद आप DIR करके देखो आपको फाइल्स नज़र आएगी। टेम्पल डॉट जावा फाइल हमने यहाँ पे बनाई है, तो वो कंपाइल करो पहले, जावा सी टेम्पल डॉट जावा फाइल कंपाइल हो चुकी है। कंपाइल होने के बाद आपको इसी सेम पाथ को यहाँ पे आपको टेम्पल डॉट क्लास नहीं नज़र आएगी, आपने जब भी कंपाइल की जावा की फाइल उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्पल डॉट क्लास फाइल नज़र आ रही है यहाँ पे, तो उस फाइल का रेफरेंस हमने एप्लेट में दिया ही है पहले से ही, हमें वो एप्लेट व्यूअर से रन करना है। एप्लेट व्यूअर टेम्पल डॉट HTML से वो रन करना हूँ। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिस हुआ है, वो देखेंगे कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, और यहाँ पे ए भी कोऑर्डिनेट्स हमारे कुछ मिस हुए लगता है, तो देखते हैं कौन से कोऑर्डिनेट्स हो। ए रेक्टेंगल वाला एक है और उसके बाद ये वाला, ठीक है,
चेक करते हैं हम, एक लास्ट लाइन है और एक रेक्टेंगल, ये तो बराबर आया। इसके बाद ये वाला सेकंड वाला रेक्टेंगल, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई के कुछ मिस हुए लगते हैं, तो पेंट में फिर से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट 483, 412, ये तो बराबर है यहाँ पे। उसके बाद हाइट एंड विड्थ 85.21, यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ करके चेक करता हूँ। ये भी बराबर लग रहा है यहाँ पे 184, 413, 85, 121। मेन जो भी रेक्टेंगल है हमारा, उस मेन रेक्टेंगल के डायमेंशन कितने हैं वो चेक करते हैं। 374, 267, 3, ये ज़्यादा हो गया है, इसका वाई एक्सिस चेंज हुआ है, 366 हो गया है यहाँ पे, 266 होना चाहिए यहाँ पे। वन बाय वन अगर आप करते तो भी चलेगा। फिर से मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ फाइल जावा से, temple.java, और बाद में एप्लेट व्यूअर से हम रन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टेम्पल का प्रोग्राम हुआ। कोऑर्डिनेट्स आपके मिस नहीं होने चाहिए, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे 266 की बजाय मैंने 366 गलती से टाइप किया था, इसके लिए वो प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये हमारी एप्लेट का प्रोग्राम, आप इजीली पेंट की मदद लेके आप डिज़ाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको ये पूरे कोऑर्डिनेट्स रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाए। थैंक यू।